नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नलिज्म सीखे। मैं हूं आपके साथ अन्नदाराम विश्नोई। आज हम बात करेंगे कि आखिर बीजेएमसी कोर्स के अंदर पढ़ाई होती क्या है। यानी आप में से कई सारे दोस्तों ने कमेंट करके पूछा था कि बीजेएमसी कोर्स के अंदर जो पढ़ाई का स्ट्रक्चर है, यानी इसमें किस तरह की पढ़ाई होती है, जो पढ़ाई का मतलब किस तरह से इसमें इसके अंदर पढ़ाया जाता है, और इसके अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसके बारे में आपने पूछा था। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आप पूरा देखोगे तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इसी तरह से पत्रकारिता से संबंधित जब नए वीडियो आए तो आपको सूचना सबसे पहले मिल सके। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज पर भी इस तरह से वीडियो देख सकते हो। बीजेएमसी कोर्स के अंदर आखिर क्या पढ़ाया जाता है, उसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि बीजेएमसी कोर्स के अलावा जो अदर एक्टिविटी होती हैं कॉलेज की तरफ से, वो क्या होती हैं। सबसे पहले मैं अपनी मेरी कॉलेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर हो सकता है आप किसी और कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस मिले, लेकिन ज़्यादातर एक जैसा ही जो सारा स्ट्रक्चर होता है बीजेएमसी कोर्स का, वो एक जैसा ही होता है। तो हमारे कॉलेज में क्या होता है, कोर्स तो पढ़ाया जाता है, क्लासरूम के अंदर जो थ्योरी होती है वो तो पढ़ाते ही हैं, इसके अलावा प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। इसके अलावा जो अदर है उसमें आपको चैनल विजिट भेजते हैं। चैनल विजिट का मतलब ये हो गया, आपने जितने भी जो बड़े बड़े शो है ऑडियंस वाले, उसके अंदर जो ऑडियंस होती है ना, वो सारी की सारी जर्नलिज्म स्टूडेंट ऑडियंस ही होती हैं। यानी वो सारे के सारे पत्रकारिता के छात्र ही होते हैं, जैसे मैं हूँ। तो हम जाते हैं वहाँ चैनल विजिट, चैनल वाले खुद अपनी कैब है वो भेजते हैं कॉलेज, और वहाँ से हम पिकअप करते हैं कॉलेज से और वापस कॉलेज छोड़ देते हैं। तो इस तरह से आपको ये अदर एक्टिविटीज़ के अंदर चैनल विजिट, इसका कई फ़ायदा है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको टीवी पर आने का मौका मिलता है। यानी आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हो, लेकिन इसके साथ ही आपको नौकरी मिलने से पहले आपको टीवी पर आने का एक बोलने का मौका मिलता है। आप बड़े बड़े लोग से या बड़े बड़े जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पार्टियों के प्रवक्ताओं से आपको प्रश्न पूछने का मौका मिलता है। यानी आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हो, और आपके इसके अलावा जो भी टॉपिक दिया होता है उस टॉपिक से रिलेटेड, आपने देखा होगा अगर आपने जो भी ऑडियंस वाला शो है तो उसमें देखा होगा कि कई सारे छात्र हैं उसमें सवाल पूछते हैं। तो वो छात्र आखिर होते कौन है, हमारी तरह जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट है वही तो है। तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जर्नलिज्म स्टूडेंट को। और एक बात ध्यान रखना, जो ये जो चैनल वाले होते हैं ये जर्नलिज्म स्टूडेंट को ही वहाँ पर बुलाते हैं, क्योंकि वो जितने भी शो करते हैं वो करंट अफेयर्स को लेकर जो भी चल रहा होता है मुद्दा उस पर करते हैं, और जर्नलिज्म स्टूडेंट ही होते हैं जो सवाल पूछने की क्षमता रखते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए वो ज़्यादातर कोशिश उनकी कॉलेज वालों जो चैनल वाले हैं उनकी यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जर्नलिज्म स्टूडेंट है उनको बुलाया जाए। यानी वो जर्नलिज्म स्टूडेंट को वहाँ पर ऑडियंस के रूप में बुलाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है जर्नलिज्म स्टूडेंट की वहाँ पर जाने की, टीवी में आने की, सवाल पूछने की। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और यदि आप इस कोर्स में एडमिशन लोगे और आपको वहाँ जाने का मौका मिलेगा तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई अदर एक्टिविटीज़ की, और अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि इस बीजेएमसी कोर्स के अंदर आखिर क्या पढ़ाया जाता है। और मेरे हाथ में ये पूरा कंटेंट है कि ये मेरी कॉलेज का है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप हो सकता है दूसरी कॉलेज में जाते हो तो वहाँ आपको थोड़ा सा इस कोर्स को लेकर दूसरा अंतर मिल सकता है। यानी वहाँ पर थोड़ा सा सब्जेक्ट है वो अलग हो सकते हैं, लेकिन लगभग सेम ही होते हैं। तो इसमें आपको बता दूं कि ये बीजेएमसी कोर्स है, ये 3 साल का कोर्स है, यानी ये 12th के बाद होता है। और 3 साल का कोर्स का मतलब ये हुआ कि बाकी जो अदर कोर्सेज होते हैं उसी तरह से इसमें भी 6 सेमेस्टर होते हैं। यानी आपको टोटल 6 सेमेस्टर पढ़ाई करनी होती है, और 6 सेमेस्टर के अंदर इसमें भी अलग अलग तरह के सब्जेक्ट होते हैं, और वो सब्जेक्ट क्या क्या है जान लेते हैं। यानी पहले सेमेस्टर की बात करें तो पहले सेमेस्टर के अंदर मैं बात करूं, इसमें आपको 5 सब्जेक्ट है वो पढ़ने पड़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। पांचों क्या है, पहला है इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। यानी इसमें आपको पत्रकारिता है क्या, पत्रकारिता का बेसिक बताया जाता है। दूसरा सब्जेक्ट है मास मीडिया राइटिंग स्किल्स, यानी आप लिखना, यानी हो सकता है ज़रूरी नहीं है सब टीवी के अंदर जाए। और एक बात तो आपको अगर
पता ही होगा, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अगर ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूज़ एंकर बनो या रिपोर्टर बनो, आपको अच्छा लिखना भी आना चाहिए। आप जितना अच्छा लिखोगे उतना ही अच्छा बोल पाओगे, यानी आप किस तरह से अच्छा लिख सकते हो उसकी स्किल्स है वो इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाई जाती हैं। मास मीडिया राइटिंग स्किल्स जो सब्जेक्ट है MMW, इसके अंदर उसका बाद थर्ड नंबर पे आता है रिपोर्टिंग फास्ट के अंदर। यहाँ पर आपको जो प्रिंट मीडिया की रिपोर्टिंग है और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्टिंग है, वो दोनों ही रिपोर्टिंग यहाँ पर आपको पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी इसमें कंप्यूटर की भी ज़रूरत होती है क्योंकि आज कंप्यूटर का ज़माना है तो सारा काम कंप्यूटर पर ही होता है। न्यूज़ रूम भी आपको पता ही होगा कंप्यूटर से भरा होता है, यानी आपको आपका नॉलेज है वो कंप्यूटर का वो अच्छा होना चाहिए, इसलिए इसमें कंप्यूटर की भी पढ़ाई होती है। उसके बाद है एनवायरमेंट स्टडीज़, ये पर्यावरण आपको पता ही होगा 10th और 12th में हमने पढ़ाई होगा, बिल्कुल सिंपल है, मैंने तो बिल्कुल पढ़ी भी नहीं थी, बस जो 10th 12th में याद था वही सारा लिख के आया था और बहुत अच्छे नंबर आए थे, तो सिंपल होता है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात इतनी टेंशन वाली बात रहती नहीं है। तो ये होता है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। अब बात कर लेते हैं सेकेंड सेमेस्टर के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट है। चार सब्जेक्ट हैं। पहला है ऑडियो विजुअल मीडिया, यानी AVM यानी ऑडियो विजुअल मीडिया। इसके अंदर ऑडियो विजुअल मीडिया यानी यहाँ पर साफ तौर पर कहे रेडियो और टीवी की बात होती है। यहाँ पर आपको रेडियो और टीवी के बारे में जो बेसिक होता है उनकी हिस्ट्री होती है, इसके अलावा रेडियो और टीवी कैसे काम करते हैं उसके बारे में बताया जाता है। मुझे याद आ रहा है कि सेकेंड सेमेस्टर के अंदर जो AVM है उसमें सिर्फ और सिर्फ रेडियो के बारे में बताया जाता है, AIR ऑल इंडिया रेडियो जो आकाशवाणी है उसमें कैसे काम होता है। एडिटिंग फर्स्ट का यहाँ का मतलब जो एडिटिंग आपको पहले बता देता हूँ, एडिटिंग यहाँ पर दो तरह की होती है, एक तो होती है जो अखबार का एडिटर होता है ना, जब रिपोर्टर न्यूज़ भेजता है तो उसको न्यूज़ को एडिट करना पड़ता है, यानी रिपोर्टर एडिटर अपने हिसाब से, हो सकता है उस दिन अखबार में कम जगह हो तो उस खबर को छोटा भी करना पड़ सकता है उस खबर को, और हो सकता है ज़्यादा जगह हो तो उस खबर को बड़ा भी करना पड़ सकता है। इसलिए इसको कैसे करते हैं ये एडिटिंग यहाँ पर आपको सेकेंड सेमेस्टर के अंदर एडिटिंग फर्स्ट में सिखाई जाती है। उसके बाद में जो एक आती है वीडियो एडिटिंग, वो आगे सिखाई जाती है। उसके बाद में कंप्यूटर, वापस इसमें कंप्यूटर पूरा पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह, कंप्यूटर कैसे, इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं वो पढ़ाते हैं। तो ये टोटल चार सब्जेक्ट हैं सेकेंड सेमेस्टर के अंदर। थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो थर्ड सेमेस्टर के अंदर चार सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग सेकेंड, यानी यहाँ पर आपको जो रिपोर्टिंग टीवी रिपोर्टिंग है उसकी बात होती है, टीवी रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से करनी होती है और किस तरह से आप एक अच्छा टीवी रिपोर्टर बन सकते हैं, ये सब कुछ सारा का सारा इस टीवी रिपोर्टिंग सेकंड के अंदर पढ़ाया जाता है। उसके बाद आता है ऑडियो विजुअल मीडिया सेकंड, इसमें यहाँ पर टीवी की बात होती है पूरा, आप ये बताया जाता है कि टीवी कैसे काम करता है और टीवी के अंदर किस तरीके की जो पोजीशन होती हैं नौकरी की वो भी बताई जाती हैं। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि टीवी के अंदर जो राइटिंग है यानी पैकेज वगैरह कैसे लिखे जाते हैं ये भी बताया जाता है। तो जो टीवी का जो सारा मामला है वो सारा का सारा यहाँ पर समझाया जाता है। उसके बाद है पब्लिक रिलेशन यानी PR, आपको पता होगा कि इस कोर्स को करके PR भी बन सकते हैं। इसके बाद में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान। भारत का संविधान एक पत्रकार को आना चाहिए तभी तो वो अच्छा पत्रकार बन पाएगा, अगर उसे नॉलेज नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए भारतीय संविधान इसमें शामिल किया गया है और पढ़ाया जाता है। यानी फोर्थ सेमेस्टर के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं वो जान लेते हैं। फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आपका एडिटिंग सेकेंड है, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट है, इसके अलावा मीडिया लीगल सिस्टम आपको इंडियन लीगल सिस्टम है वो पढ़ाया जाता है, इसके अलावा आपको फ़ोटो जर्नलिज्म पढ़ाया जाता है यानी फ़ोटो खींचने की अच्छी टेक्निक क्या है, इसके अलावा फ़ोटो जर्नलिज्म के अंदर क्या क्या करियर ऑप्शन है, किस तरह से एक अच्छा फ़ोटो जर्नलिस्ट बन सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। पाँचवें सेमेस्टर के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं पहले वो जान लेते हैं। उसके अंदर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कुल चार सब्जेक्ट होते हैं, चार में से पहले सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर पहला सब्जेक्ट है डिज़ाइन एंड ग्राफिक, यानी यहाँ पर आपको डिज़ाइनिंग है वो सिखाई जाती है। आपने देखा होगा
कि टीवी के अंदर और अखबार के अंदर अच्छी खासी कई बार खबरों को एक अच्छे से तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है, चाहे टीवी की बात करें, चाहे अखबार की बात करें, चाहे फिर मैगजीन की बात करें। तो एक जर्नलिस्ट को मतलब सारी की सारी टेक्निक है वो पता होनी चाहिए। यानी एक दूसरे शब्दों में कहें तो BJMC कोर्स है वो एक ऐसा कोर्स है, यानी अगर आप RJ बनना चाहते हो, अगर आप TV के अंदर जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, या आप न्यूज़पेपर के अंदर जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, या मैगज़ीन के अंदर बनना चाहते हो, या फिर आप AIR यानी रेडियो अनाउंसर बनना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, लेकिन आपको बेसिक अगर पढ़ना है तो आप BJMC कोर्स कर सकते हो। और ये एक मतलब इसमें सब कुछ शामिल है, रेडियो, TV, न्यूज़पेपर, सारी की सारी जो जर्नलिस्ट की पढ़ाई जो ज़रूरी है होती है वो सारी की सारी यहाँ पर है। अगला जो सब्जेक्ट है उसकी बात करते हैं, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है यानी विकास संचार। देखो एक जर्नलिस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है, चाहे खबरों के माध्यम से हो, चाहे वो जनता की समस्याओं को खबर के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता हो, उसका मेन मकसद यही होता है देश का विकास हो, जो गरीब तबका है वो ऊपर उठे। उन्हीं उनका यानी कुल मिला के एक पत्रकार को ये पता होना चाहिए कि आखिर अपने देश को आगे कैसे बढ़ाना है, किस तरह से रिपोर्टिंग की जाए ताकि देश के विकास में ये जो मेरी रिपोर्टिंग है वो काम आ सके। यानी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक जर्नलिस्ट को आनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर शामिल की गई है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग इन इंडिया। देखो अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी चीज़ होती है, बात पैसों की हो तो, और एक पत्रकार को पता होना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है और किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था काम करती है। लेते हैं लास्ट सेमेस्टर के अंदर, जो कि छठा सेमेस्टर होता है सबसे लास्ट में, उसके अंदर है, इसमें कुछ नहीं होता है खास। इसके अंदर सच कहूँ तो इसमें आपको जो लास्ट सेमेस्टर होता है यानी आपके तीन साल के अंदर जो लास्ट जो छः महीने होते हैं ना, वो आपको उसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिकल ही करवाया जाता है, कोई खास पढ़ाई नहीं होती है। यानी आपने जो सीखना था वो आप इन बाकी पांच सब्जेक्ट सेमेस्टर हैं उन पांच सेमेस्टर के अंदर आप जो भी सीखना था वो आप सीख चुके हैं। अब आपको जो आपने सीखा है उसको प्रैक्टिकल में करना है, यानी अब आपको इंटर्नशिप पर भेजा जाता है। अगर आप जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होता है उस फील्ड की इंटर्नशिप है, अगर आपका इंटरेस्ट TV में है तो TV रिपोर्टर की है तो आपकी रिपोर्टिंग के लिए आपको इंटर्नशिप पर भेजा जाता है। और इसके अलावा अगर आप न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको किसी बड़े न्यूज़पेपर के अंदर आपकी इंटर्नशिप लगवा दी जाती है। यानी वहाँ आप जो आपने सीखा है पाँच सेमेस्टर के अंदर उसको आपको प्रैक्टिकल में करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं इसी तरह से और वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और अगर आपके दोस्त भी अगर BJMC कोर्स करना चाहते हैं और अगर आप जानते हो तो उसको वीडियो ज़रूर फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल सके। और इसके अलावा आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब नया वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सकेगी। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट करके आप ज़रूर पूछ लीजिए, और आप इस वीडियो के बारे में भी फीडबैक दे सकते हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई कमी है तो वो भी बताइए, ज़रूर मैं आपके साथ। इंस्टाग्राम ID है वो भी मैंने दे रखा है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे पर्सनल अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है या कोई सवाल है तो वहाँ आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर हर किसी का जवाब देता हूँ, आपका भी जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।